हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं घर में क्या कर रहा हूँ, गाड़ी में क्यों वीडियो नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बात यूँ कि सुबह सुबह मैं निकल गया था, सारा दिन का काम ख़त्म करके अब मैं घर पहुँच चुका हूँ। एक्चुअली मेरा घर नहीं है, मेरे बहन का घर है, तो इधर मतलब इस रास्ते में आ रहा था तो यहाँ पर आज रुक गया मैं। तो मैं आज सारा दिन का जो इनकम हुआ है, जो भी ओला उबर वगैरह में ड्यूट वगैरह हुआ है, वो सारे कुछ मैं आज आपको डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि मैं आज दिन का पार्ट पार्ट करके वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज भी मैं ज़्यादा एडिट नहीं कर पाऊँगा, स्क्रीनशॉट भी नहीं लगाऊंगा, बस आपको बोल के बता दूंगा। आशा करता हूँ आप समझ सकते हो। और मैं आज थोड़ा थक भी गया हूँ, लेकिन वीडियो तो हर दिन बनाऊँगा मैं, जो भी हो जाए ऐसा मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहले ओला का बता देता हूँ। ओला में आज स्कूल मिला के 5 राइड किया था मैंने, जो शॉर्टकट में बता देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि आप लंबी वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हो, मैं बेकार में वीडियो बनाता हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज की जो अर्निंग हिस्ट्री है, ओला में उतना ज़्यादा अर्निंग में नहीं किया। एक्चुअली ओला की कोई गलती नहीं, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा हुआ क्या था, ठीक है। तो आज का जो राइड है ओला में 5 राइड, तो पहला जो राइड था प्राइम सेडन में, जिसका मुझे 90 रुपीज़ मिला। उसके बाद और एक मतलब ये जो राइड थी ये 8:49 पे थी, सुबह की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 11:18 पर और एक राइड थी, जिसको मैंने कंप्लीट भी की, और उसका मुझे मिला 106, ठीक है, मतलब 106। उसके बाद 11:46 पर और एक प्राइम सेडन की बुकिंग, आज मुझे ज़्यादातर प्राइम सेडन की बुकिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज जो मेरे दोस्त हैं जिनकी मिनी गाड़ी है, उनको उनके पास बुकिंग नहीं आ रही थी, तो इस तुलना में मेरे पास काफ़ी सारी बुकिंग आ रही थी। तो ये वाली जो प्राइम सेडन की ट्रिप थी, तीन नंबर की ट्रिप, इसमें मुझे 125 रुपीज़ की अर्निंग हुई थी। उसके बाद और एक प्राइम सेडन की थी, जो कि डिजिटल में थी, डिजिटल पेमेंट, लेकिन वो राइड कस्टमर के द्वारा कैंसिल हो गया था, और उसके लिए मुझे 33 रुपीज़ मिल गई है, ठीक है। उसके बाद और एक बुकिंग थी जो मिनी में थी और कैश पेमेंट में थी, जिसका मुझे 110 रुपीज़ मिल गई थी। ये थी 2:48 PM, यानी कि 2:48 पर, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट से और एक राइड थी जो मिनी में थी, जिसका मुझे 105 रुपया, लेकिन वो कस्टमर वो ओला का जो कैश रिसीव हुआ था मुझे 182 रुपया, यानी कि आप सोच सकते हैं किस हिसाब से ओला हमसे परसेंटेज ले रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसके लिए मुझे 40 रुपये का टोल भी मिल गया है, क्योंकि और ये टोल जो मिला ये मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैं टोल पे किया वहाँ पे। चलिए यहाँ पे 5 राइड कंप्लीट हो गई ओला की, और ओला में से मुझे जो अर्निंग आज हुई 572 रुपीज़ हुई, 572, ठीक है। चलो ये हो गई ओला की बात कंप्लीट, अभी हो गया उबर की बात करते हैं, ठीक है। उबर की सिनेरियो आज ऐसे है कुछ, उबर में मैं टोटल राइड किया था 4 ट्रिप कंप्लीट किया, और जिसका मुझे आपको बता देता हूँ एक एक करके। पहली जो राइड है वो मुझे मिला सुबह 9:14 पे। राइड का जो ड्यूरेशन है वो है 26 मिनट लगा था, और जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर, और इसके लिए उबर ने मुझे दिया था 171 रुपये, और ये जो है मैं एयरपोर्ट में छोड़ने गया था, इसके लिए मुझे 40 रुपये का टोल मिला, और वो टोल मैंने वहाँ पे नहीं दिया था, तो ये हुआ मेरे बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं 40 रुपीज़ को,
उसके बाद उबेर में और एक राइड थी जो गो में, तो इसके बाद जो मुझे राइड हुई थी उबेर गो में, और उसमें वो जो टाइम था 9:47 में, और वहाँ पे जो मुझे फेयर मिला 222 रुपये मिला, और ये 13 किलोमीटर का राइड था, और इसमें कैश कलेक्शन हुआ था 256 रुपये। ठीक है, उसके बाद और एक राइड थी जो 1:35 पे थी, और इसका मुझे मिला था 141 रुपये। ठीक है, और उसके बाद एक राइड थी जो कि उबेर की लास्ट राइड कह सकते हो, 2:20 पर, और इसका मुझे जो अर्निंग हुई थी 151 रुपीज़, और 8 किलोमीटर की राइड थी। तो इसमें अभी ओला उबेर की कंप्लीट हो चुकी है। तो हुआ यूँ सिनेरियो, ये जो कंप्लीट हो गया मेरा ओला और उबेर दोनों का, लगभग 3-3:30 से मैंने राइड नहीं किया था, ऑफलाइन हो गया। क्यों ऑफलाइन हो गया वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओला में जो लास्ट राइड थी वो एयरपोर्ट से थी, और पहले इसको इसका टोटल कर देता हूँ। ओला में टोटल 572 रुपीज़ हुआ था, और उबेर में जो है वो है 687 रुपये, यानी कि ओला और उबेर से मुझे 1280 समथिंग रुपये की इनकम हो गया। बाकी उसके बाद हुआ क्या, ओला से जो लास्ट राइड थी एयरपोर्ट वाली, वो मैडम ने बोला कि मुझे यहाँ पे हमारा बानपुर करके एक एरिया है जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर होगा, तो उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ पे छोड़ सकते हो। मैं बोला हाँ छोड़ सकते हो। वो कितना लोग हैं, तो उनके साथ फाइनल हो गया 2500 करके डील, बाकी वो टोल वगैरह उन्होंने पे किया था, तो कुल मिला के वो उन्होंने 2500 दिया था। तो उसके बाद मैंने और ओला उबेर की राइड की नहीं, वो 2500 मिला के इसका हो गया 1280, तो हमारा कुल मिला के हो गया 3580 रुपये, यानी कि आज अच्छी कमाई हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई थी सिनेरियो, इसलिए मैंने ऑफलाइन किया नहीं। बाकी दोस्तों आप लोग को बुरा नहीं सोचोगे क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट आज नहीं लगा पाया, कोई बात नहीं, आपको बोल के मैंने समझा के, मतलब बस जानने के लिए आप जान सकते हो। बाकी कोई भी आपको डाउट हुए, कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता रहता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करेंगे आप, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।